प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा जनपद अध्यक्ष पद कांग्रेस को जीतने में कामयाबी मिली है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीनाबाई रामपाल सोलंकी ने भाजपा समर्थित रूपाली भानु प्रताप को 10 के मुकाबले 13 वोटों से हराया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी विधायक देवेंद्र वर्मा के करीबी माने जाते हैं। वहीं जैसे ही कांग्रेस की जीत की खबर मिली, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया और ढोल धमाकों की थाप पर कार्यकर्ता नाचने और झूमने लगे। खंडवा के साथ ही अन्य 3 स्थानों बलड़ी, हरसूद और खालवा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलने जाने की सूचना है। जहां खंडवा जनपद अध्यक्ष पद पर जीत के बाद कांग्रेस के समर्थक खुश नजर आए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे लटक गए। ये जीत पे बधाई आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण जीत थी और ये बात कमलनाथ जी पहले बोल चुके हैं कि गांवों से परिवर्तन की बयार निकल रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने पंचायतों पर कब्जा किया है और प्रदेश की जनता ने पंचायतों के अंदर कांग्रेस को अपना समर्थन और वोट दिया है। ये आने वाले 2023 का वो सेमीफाइनल है जो आपको फाइनल में अगले साल नजर आने वाला है। भैया कौन प्रत्याशी जीती है यहाँ से? हमारी बहन, हमारी बहू मीना रामपाल सिंह सोलंकी आज खंडवा जनपद की अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दी गई है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के मुँह पे करारा तमाचा है।